रहमतुल्लाह, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। ज्ञान वापी केस मामला में हिंदू फरीक में ज़बरदस्त फूट पड़ गई है, इख्तलाफ हो गया है और कई लोग मामला से पीछे भी हट रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों ये लोग अब केस छोड़कर भाग रहे हैं, क्यों विवाद हो गया है, बताएंगे पूरी तफसील खबर दर खबर में। यह भी बताएंगे कि कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने क्यों नोटिस भेजा है और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की ये पांच अहम न्यूज। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज आजम खान से पहली बार मुलाकात की। अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। आजम खान 19 मई 2022 को 27 महीना बाद जेल से बाहर आए हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मुतालबा किया है कि सरकार को मदारिस को पैसा देना और उसकी इमदाद करना बंद कर देना चाहिए। कम्युनिटी को जरूरत होगी तो खुद मदरसा चलाएगी, सरकार को चाहिए कि सभी मदरसों को पैसा देना बंद कर दे। सुनिए मौलाना महमूद मदनी ने आज तक पर क्या कहा। ये बताइए, नए मदरसों को सरकारी अनुदान सरकार ने बंद कर दिया है। अच्छा किया, इस बात का जिक्र किया। अच्छा किया, अच्छा किया। मदरसों को कोई अनुदान सरकार का नहीं मिलना चाहिए। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल सही कहा, सही किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया है। बल्कि पुरानों का भी बंद कर देना चाहिए। पुरानों का क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। सरकार क्यों चलाएगी मदरसे? मदरसे कौन चलाएगा? मदरसे जो जिसको जरूरत है मदरसे की वो चलाएगा, जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं चलाएगी। भाई कम्युनिटी को अगर जरूरत है तो कम्युनिटी चलाएगी, आधी रोटी खाएगी। आप सरकार को सलाह दे रहे हैं कि पुराने मदरसों को भी पैसा जो दिया जा रहा है बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मुझे जरूरत नहीं है, न मेरी कम्युनिटी को जरूरत है सरकार के पैसे की मदरसा चलाने के लिए। अगर आपको पैसा देना है तो स्कूल क्यों नहीं बनाते आप मुस्लिम एरियाज में? उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते हैं? उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? टीचर्स की ट्रेनिंग का क्यों नहीं करते एरियाज में? क्यों बनाए जाए स्कूल? क्यों नहीं हर जगह बनाए जाए? सब जगह बनाने चाहिए। आप मुस्लिम एरिया में बनाए नहीं, मदरसे के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये भी सेक्टर कमेटी ने क्यों कहा है कि मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है बच्चियों के लिए? मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और क्यों पिछड़ रहा है इस देश का मुसलमान? इसलिए कि आप स्कूल नहीं बना रहे। क्यों रोजगार नहीं है उसके आप, पास शिक्षा आप, नहीं है क्यों आप स्कूल नहीं बना रहे और मदरसों को पैसा दे रहे हैं? कैसी नॉनसेंस की बात। बंद कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, मदरसों को पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए, कम्युनिटी खुद चलाएगी। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के बैंग ने पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने की खुली धमकी दी है। सोशल मीडिया पर नीरज बवाना के फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है सिद्धू मूसेवाला उनका भाई था और दो दिन में उनके कत्ल का बदला लेकर रहेंगे। मथुरा शाहिदगाह मस्जिद से वाबस्ता मुकदमों के एक मुद्दई ने मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने की अपील की है और मकामी अदालत में नजरसानी की अर्जी दाखिल करके निचली अदालत के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया है। मुद्दई अखिल भारत हिंदू महासभा के खजानची दिनेश चंद शर्मा के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि मुकदमे के तहत एडीजी संजय चौधरी की अदालत में पेश नजरसानी की अर्जी में कहा गया है कि निचली अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन का हुक्म शवाहिद के खिलाफ है और उसने सर्वे कमीशन की तश्कील का हुक्म जारी न करके बड़ी भूल की है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कश्मीर में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 15 सिक्योरिटी अहलकार शहीद और 18 आम शहरी कत्ल कर दिए गए हैं। कश्मीरी पंडित 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन बीजेपी 8 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने में मसरूफ है। और अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे की। ज्ञानवापी मस्जिद केस मामले में हिंदू फरीक के दरमियान शदीद इख्तलाफ हो गया है। वीडियो लीक हो गई है जिसके बाद हिंदू फरीक को ऐसा लग रहा है कि उनका दावा कमजोर पड़ गया है और राज फाश हो गया है। वीडियो में वाजह तौर पर दिख रहा है कि मस्जिद ही है, वजू खाना के जिस हिस्सा में शिवलिंग की बात की गई है वो भी फवारा ही है, शिवलिंग नहीं है। इस केस से जुड़े हिंदू फरीक के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमा की पैरवी से हटा दिया गया है। ज्ञानवापी मामला में कानूनी मदद दे रही तंजीम विश्व वैदिक सनातन संघ के सरबराह जितेंद्र संघ बसीन ने बताया वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया है।
जितेंद्र सिंह भसीन का कहना है, हमने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अपने सभी मुकदमात की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है। हम अदालत की आइंदा समाअत पर उनके वकालतनामे को मनसूख करने की अर्जी भी देंगे। मैं हरिशंकर जैन की सरबराही में चल रही हिंद साम्राज्य पार्टी में कौमी कन्वेनर और कौमी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर था, जिससे मैंने इस्तीफा दे दिया है। हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले की पैरवी करने के साथ साथ हिंदुओं से जुड़े कई मुतनाज़ा मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। जब विष्णु जैन से सवाल किया गया कि उन्हें ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले से क्यों हटा दिया गया, तो उनका कहना था, ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में 5 खवातीन ने जो अर्जी दाखिल की थी, उनमें से एक खातून जो जितेंद्र सिंह भसीन की भतीजी रेखा सिंह है, मामले से अलग हो गई। उसने खुद को अलग कर लिया है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी 4 खवातीन की तरफ से हम लोग इस मुकदमा की पैरवी करेंगे। हम आपको भी बता दें कि एडवोकेट हरिशंकर जैन वही है कि जब पूरी कमेटी अदालत की तरफ से मुकर्रर किए गए कमिश्नर और सारे वकील सर्वे कर रहे थे, वीडियोग्राफी का काम चल रहा था, तब उनके जो लॉयर है हरिशंकर जैन उस दिन नहीं आए थे। आखिरी दिन यानी तीसरे दिन 16 मई को वो सीधे सीधे कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने अर्जी दे दी थी कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है, जो फव्वारा है, फाउंटेन को शिवलिंग बता दिया था उन्होंने। और उसी अर्जी के मुताबिक निचली अदालत ने फैसला भी कर दिया था कि उसको सील कर दिया जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जगह को सिक्योर करने का ऑर्डर दिया। वहां की अदालत ने 20 नमाजियों की पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 20 नमाजियों की कैद नहीं रहेगी, बल्कि जितने नमाजी आम दिनों में पढ़ते रहे हैं उन तमाम को इजाजत होगी। तो हरिशंकर जैन का बड़ा मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब खुद हिंदू फरीक ने अपने वकील को ही हटा दिया है, उनके बेटे को भी हटा दिया है, जिन पर सबसे ज्यादा इस मामले का इल्जाम लग रहा था। और जो पूरी वजह है उसकी है कि जो वीडियो वायरल हो गई, लीक हो गई है, उसकी वजह से हिंदू फरीक का दावा कमजोर हो गया है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है, पता चल रहा है कि जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना उसकी दीवारों पर ऐसे कुछ आसार दिख रहे हैं। दीवारों पर कहीं कहीं त्रिशूल का निशान बना हुआ जरूर दिख रहा है मस्जिद की दीवार पर, लेकिन जो त्रिशूल का निशान बना हुआ है वो साफ ये भी दिख रहा है कि पत्थर पर बाद में किसी ने निशान लगाया है, जो ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं, एक पत्थर मौजूद है और बाद में किसी ने खुरच करके काट वाट करके त्रिशूल का निशान बना दिया है, जिसको साफ देख करके कोई भी कहेगा कि ओरिजिनल नहीं है। आप भी यहां पर वीडियो का कुछ हिस्सा देख सकते हैं। गोलाई में नीचे और हम लिखवा रहे, आप अपना लिखवाइए, हम अपनी बात लिखवाइए। नहीं, आप ये डिक्लेयर कैसे करोगे? बस ये आधार कह सकते हो, आधार का दिख रहा है, डिक्लेयर कैसे करोगे? और अब बात कांग्रेस की। ईडी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को 8 जून को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए समन भेजा है। एजेंसियों की इत्तला के मुताबिक यह समन नेशनल हेराल्ड के फंड्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक है। नोटिस आने के बाद कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह बददियानती है और बीजेपी की तरफ से अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाने के लिए इंतकाम और इंतकाम की सियासत का हिस्सा है। उन्होंने मुल्क में दूसरे मुखालफिन के साथ भी ऐसा ही किया है और अब हमारे साथ कर रहे हैं। इस केस में कोई रकम शामिल नहीं है, ये केस साल 2015 में ही बंद कर दिया गया था। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में शुरू हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों ने इसे बंद करने की कोशिश की, आज मोदी हुकूमत भी वही काम कर रही है जो अंग्रेजों ने किया था।
खबरदार खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल। अगर आपको लगता है कि कोई अहम मुद्दा है आपके इलाके का, इस पर हमें खबरदार खबर का प्रोग्राम करना चाहिए, खबरदार खबर की न्यूज में उस तरह की खबरों को शामिल करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मिलर टाइम्स के व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी मिलर टाइम्स के साथ जुड़िए, आप खुद मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।